पुलिस ने सर क्या सात आरोपी को अरेस्ट किया गया है। घटना 28 तारीख को 28 अगस्त को रात में, रात को करीब 12-1 के आसपास पुलिस को रिपोर्टिंग हुआ कि 8:30 बजे मारवे रोड मलाड इधर एक बिजनेसमैन के दो वर्कर ऑटो के अंदर कुछ कैश लेके जा रहे थे। तब इनिशियल खबर में तीन लोगों का पता लगा था कि तीन लोग आए, उनको चाकू दिखाया और उनसे पैसे का बैग, दो बैग थे, छीन कर भाग गए। FIR के अंदर 75 लाख का इस तरह से रोबरी हुआ, ऐसी FIR रजिस्टर की थी। उसके अंदर इमीडिएटली हमने पूरे जोन के सब डिटेक्शन ऑफिसर, कम से कम 70-80 लोगों की स्टाफ को इसमें काम पे लगाया और 4 दिन से पूरा मुंबई, थाने, मीरा रोड, रायगढ़, औरंगाबाद, नाशिक, अलग अलग जगह पे जहाँ जहाँ क्लू मिला इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अभी तक इसके अंदर 7 लोगों को अरेस्ट करने में पुलिस को सक्सेस मिला है। एक 3 बाइक के ऊपर, 2 बाइक और 1 स्कूटी, ऐसे 3 के ऊपर ऑटो को फॉलो करते हुए कुछ लोग आए और उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया था। और खास करके जब इन्वेस्टिगेशन में आगे जाने के बाद जो एक वर्कर, जो दो थे उनमें से एक वर्कर की खुद की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर निष्पन्न हुई है और उसके वर्कर के इन्वॉल्वमेंट होने के कारण उसको भी अरेस्ट किया है। अभी तक कल सबको अरेस्ट किया है, 2 तारीख को कुछ किया और 3 को 1 को किया अरेस्ट कल। अभी तक 15 लाख कैश पुलिस ने इसमें रिकवर किया है। गुने में यूज की 2 बाइक भी पुलिस को रिकवर करने में सक्सेस हुई है अभी तक। आगे अभी इनका पुलिस कस्टडी 7 तारीख तक है, पुलिस सब इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इनमें से कुछ आरोपियों का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मुंबई में भी है 1-2 आरोपियों का, और बाकी लोगों का औरंगाबाद और उस तरफ भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। आरोपी को जालना से भी अरेस्ट किया गया? आरोपियों को यहीं से अरेस्ट किया पर उनका बैकग्राउंड है, जालना औरंगाबाद के हैं कुछ आरोपी, कुछ रायगढ़ और मानगांव के हैं आरोपी। तो आरोपी ने इस रिकी किस तरीके से किया? इसमें एक, जैसे मैंने बोला, एक वर्कर का खुद का इन्वॉल्वमेंट निष्पन्न हुआ है, एक कॉन्स्पिरेसी ही है, कॉन्स्पिरेसी है जिसके अंदर, जिसके खुद से जिससे छीना गया था वो खुद इसके अंदर इन्वॉल्व है, वो ये इनसाइडर जो भी ही है। इसमें और अभी कुछ आरोपी अरेस्ट होने की शक्यता